हाय गाइस, आई एम ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, सेफ हो, अपने घर पे हो। सो आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ी सी बिजी थी घर के कामों में, प्योर क्लासेस और भी कई तरीके के काम थे। एनीवे, सो आई एम अगेन बैक विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। इससे पहले मैंने मेरे किचन का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर किया था जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, थैंक यू सो मच। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे छोटे से फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। बेसिकली देखा जाए तो ये मेरे फ्रिज का अपग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो होने वाला है बिकॉज इससे पहले भी मैंने एक बार ही शेयर किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। बट इस बार आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, आई एम श्योर, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे एंड आप सबको बहुत पसंद आएगा। बट गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। हर घर अलग होता है एंड हर घर की ज़रूरतें अलग होती हैं। मैंने अपने ज़रूरतों के अनुसार अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज किया जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल है एंड आई एम श्योर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको कुछ ना कुछ आइडियाज मिल जाएंगे जिससे आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपनी जरूरतों के अनुसार। ओके, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो ये मेरा सैमसंग का सिंगल डोर फ्रिज जो कि 6-6.5 साल पुराना है। आई गेस आपने कई बारी मेरे वीडियोस में देखा होगा। फिलहाल हम तीन लोगों के लिए सफिशिएंट है। मैं इसका प्राइस, मॉडल नेम एंड स्टोरेज कैपेसिटी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। ओके, नाउ आप देख सकते हो मेरे फ्रिज के टॉप में कुछ ज़्यादा ही हरियाली है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने कुछ प्रोपेगेशन के लिए प्लांट्स रखे हैं। देन आपने मेरे किचन टूर वाले वीडियो में बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, उनका एक्चुअल प्लेस यही है। उस वीडियो में मैंने बस शो के लिए रखा था। देन फ्रिज के टॉप में ही मैंने एक ट्रे में दो क्यूट से जार रखे हैं जिसमें कुछ टॉफ़ीज़ हैं जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। बात करते हैं अभी फ्रिज डोर की, तो यहाँ पे मैंने कुछ मैग्नेट्स लगाए हुए हैं जो कि अगेन आपने मेरे किचन टूर वाले वीडियो में देखा होगा। मुझे मैग्नेट्स का बहुत शौक़ है बट अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा मैग्नेट्स नहीं है। एंड ये देखो, आज ही मैंने कुछ हमारे पिक्चर्स भी ऐड किए हैं। मुझे ना फ्रिज के डोर को डेकोरेट करने का बहुत शौक़ है, मैग्नेट्स से, पिक्चर से, मुझे बहुत पसंद है। एनीवे, अभी चलो अंदर मैं आपको दिखाती हूँ अंदर में मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है सब कुछ। आई होप आपको अच्छा लगेगा आज का वीडियो। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं देन इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ओके, तो मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लिया था। देन ये मैंने कुछ फ्रिज के लिए मैट्स मंगवाए थे, ये मेरे फ्रिज के रैक के साइज़ के नहीं थे तो इनको मैंने थोड़ा कट कर लिया है। एंड ये मैट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रिज के लिए बिकॉज हम तरह तरह की चीज़ें रखते हैं फ्रिज में, दाग लगना ऑब्वियस सी बात है, बट अगर आप मैट लगा के रखोगे तो आपको क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके, तो शुरू करते हैं फ्रूट्स एंड वेजीज से जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कॉटन के बैग्स में रखे हैं। ये बैग्स आपको ईजिली अमेजोन में मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपके अच्छे खासे अमाउंट में वेजीज आ जाएंगे। ऑल्सो इसमें वेजिटेबल्स के पिक्चर्स बने हुए हैं, बैग्स को आइडेंटिफाई करने में आपको मुश्किल नहीं होगी कि आपने कौन से बैग में क्या रखा है, ईजिली आप आइडेंटिफाई कर लोगे जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ये जो बैग्स हैं 100% कॉटन है, वॉशेबल है, रीयूजेबल है एंड ईको फ्रेंडली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी। वैसे आप स्टोरेज बॉक्सेस का भी यूज़ कर सकते हो वेजिटेबल्स स्टोर करने के लिए। देन वेजीज़ के जस्ट ऊपर वाले रैक में आप देख सकते हो दो स्टोरेज बॉक्सेस हैं जिसमें कुछ फ्रूट्स रखा है मैंने, लाइक वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो, एप्पल, पेयर्स। मॉइस्चर की वजह से बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, अच्छे से विजिबल नहीं है, तो मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। अगर आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्पेस है ना तो आप इस तरीके के स्टोरेज बॉक्सेस रख सकते हो वेजिटेबल स्टोर करने के लिए। मेरे फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए कुछ आइटम्स मैंने बैग्स में रखे हैं एंड कुछ आइटम्स मैंने इस तरीके के स्टोरेज बॉक्सेस में रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको और भी तरीके के स्टोरेज बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, तो नीचे वाले बॉक्स से शुरू करते हैं। इसमें मैंने ना लीफी वेजिटेबल्स रखे हैं लाइक कोरिएंडर लीव्स, स्पिनच। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर भी डाल दिया है, आप देख सकते हो ऊपर में भी या नीचे में भी टिश्यू पेपर रखा है ताकि मॉइस्चर हो तो वो अब्सॉर्ब हो जाए। ऐसे रखने से वेजिटेबल्स जो हैं लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। इसके बाद ये जो क्यूट से बॉक्सेस आप देख रहे हो ना, ये मैंने डीमा से परचेस किया था। इसमें मैंने अदरक एंड मिर्च रखा है, स्पेशली मैंने इसी पर्पज से लिया था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये, आई गेस बस 25 रुपीज़ का है। अलग अलग साइज़ में आपको ये मिल जाएंगे, मैंने एक छोटे साइज़ में भी लिया है। इसमें मैं लहसुन रखने वाली हूँ, मैं लहसुन छिल के फ्रिज में रखती हूँ, फिलहाल अभी छिला हुआ नहीं है तो मैं आपको खाली बॉक्स दिखा रही हूँ। अभी इसी ऊपर वाले रैक में देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने ग्लास के जार्स रखे हैं जिसमें मैंने डेट्स, एप्रिकॉट्स एंड ड्राई कोकोनट रखा है। मुझे ना ड्राई कोकोनट बहुत ज़्यादा पसंद है। बात करते हैं ये जार्स की क्वालिटी की, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको मैंने अपने एक हॉल वीडियो में बताया था। देखने में भी बहुत स्टाइलिश लगता है एंड चटनी वगैरह स्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छा है। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इसमें रख सकते हो, बहुत स्टाइलिश लगता है देखने में।
देन जार्स के जस्ट बगल में अगेन आपको ग्लास के कुछ स्टोरेज कंटेनर्स नज़र आ रहे होंगे। ये स्पेशली मैंने बचा हुआ खाना रखने के लिए लिया है या फिर जो कटे हुए फल होते हैं ना वो रखने के लिए लिया है। आप इसे एज अ लंच बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये दो साइज़ में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। सो छोटे वाले कंटेनर में मैंने दूध के ऊपर जो क्रीम आता है वो रखा है घी बनाने के लिए। देन इसके नीचे जो कंटेनर आप देख रहे हो इसमें चावल है। इसके अलावा बाकी के जो दो कंटेनर है, एक में मैंने चटनी रखी है और एक में अनार रखा है। अभी आते हैं इसके ऊपर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो बास्केट्स रखे हैं। ये दोनों बास्केट एक साथ आए थे, शायद मैंने स्टार बाज़ार से परचेस किया था, काफ़ी पुराना है, आपने मेरे प्रीवियस फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में भी देखा होगा शायद। सो बेसिकली इसे मैंने ब्रेड बॉक्स बनाया हुआ है। ब्रेड से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं ना, लाइक बटर, जैम, चीज़, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हैं। देन ये छोटे वाले बास्केट में भी अगेन वही सारी चीज़ें हैं जो कि हम ब्रेड खाने के टाइम यूज़ करते हैं, लाइक पीनट बटर हो गया, ये वीवा का सैंडविच स्प्रेड है चीज़ एंड चिली फ्लेवर, देन चॉकलेट सिरप रखा है मैंने। इसके अलावा इस रैक में और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। एक दही का पैकेट है एंड पीछे में आप देख सकते हो कुछ अंडे हैं। सो दैट्स इट। एंड गाइज, एक चीज़ मैंने पहले मेंशन नहीं किया, दूध का जो पतीला है ना वो भी इस रैक के नीचे वाले रैक में रहता है। आप ये जो ग्लास और जार देख रहे हो ना, इसे मैं थोड़ा पीछे डाल देती हूँ, पीछे स्पेस है, देन यहीं पे एडजस्ट करके रख देती हूँ, आराम से एडजस्ट हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द फ्रीज़र सेक्शन। यहाँ पे कुछ खास चीज़ें मैंने नहीं रखी है, सिंपली एक बास्केट में फ्रोज़न पीज रखा है। यूजुअली फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह मैं रखती हूँ बट अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। नाउ कमिंग टू डोर सेक्शन। टॉप वाले रैक में आप देख सकते हो मैंने सारे स्पाइसेस रखे हैं जो कि मैं रेयर यूज़ करती हूँ, लाइक चिकन मसाला, बिरयानी मसाला, पानी पूरी मसाला। मैंने यहाँ पर लेबलिंग भी कर दिया है ताकि मुझे पता चले कौन सा मसाला रखा है मैंने। बट यहाँ पे मैंने लिखने के लिए ग्लिटर पेन का यूज़ किया था जो कि मिट रहा है, थोड़े टाइम में ये कम्प्लीटली हट जाएगा, सो उससे पहले मुझे परमानेंट मार्कर से लिखना होगा। देन गाइज, आप देख सकते हो मैंने एसेंस भी यहाँ पे रखा है, लाइक जो हम मिठाई में डालते हैं या फिर केक में डालते हैं, ये देखो केवरा एसेंस, देन वनीला एसेंस, देन ये जो डब्बा आप देख रहे हो इसमें काढ़ा पाउडर है जो कि हार्डली मैंने एक या दो बार यूज़ किया होगा। देन ये जो ग्रीन बॉटल्स आप देख रहे हो इसमें पिज्ज़ा सीजनिंग स्टफ्स हैं लाइक ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स। देन उसके नीचे वाले रैक में आप देख सकते हो मैंने रैंडमली चीज़ें रखी हैं, लाइक यहाँ पे कंडेंस मिल्क रखा है मैंने, देन इसके पीछे शेजवान सॉस है, ग्रीन ऑलिव्स हैं, फ्रेश क्रीम है, देन ये कुछ इनो के सैशे हैं जो कि मैंने एक बॉटल में रखा है। देन जस्ट इसके बगल में एक और कैबिनेट है छोटा सा, उसमें मैंने फूड कलर रखा है, बेकिंग के टाइम जो चीज़ें यूज़ में आती हैं लाइक बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब रखा है। देन ये कुछ कलरफुल शुगर के स्प्रिंकल्स हैं जो कि डोनट्स बनाने के टाइम यूज़ में आते हैं, वो रखा है। एंड देन टूटी फ्रूटी भी रखा है मैंने। देन जस्ट इसके नीचे वाले सेक्शन में मैंने बटर मिल्क का एक पैकेट रखा है जो कि मेरी डॉटर को बहुत पसंद है, एंड एक जूस का पैकेट है। देन ये आप देखो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन का जूस रखा है जो कि आज सुबह में मैंने बनाया था। ये जग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्लीक सा है, कम स्पेस में एडजस्ट हो जाता है। आप इसके जगह पे ग्लास के बॉटल्स भी ले सकते हो मिल्क रखने के लिए या फिर जूस रखने के लिए। देन ओवर हियर आई कैप ऑल माई सॉसेस जो कि चाइनीज़ क्यूजिन बनाने के टाइम यूज़ में आते हैं, लाइक टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस एंड विनेगर। एंड मैंने ना यहाँ पे सॉसेस के नीचे टिश्यू पेपर भी रख दिया है ताकि सोया सॉस का दाग ना लगे। नाउ कमिंग टू द बॉटम सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ग्लूकॉन डी रखा है, देन कस्टर्ड पाउडर रखा है, देन इसके अलावा मैंने मैदा, सूजी एंड बेसन के कंटेनर्स भी यहीं पे रखे हैं। अभी कई लोग बोल सकते हैं कि फ्रिज में मैदा, सूजी एंड बेसन कौन रखता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है हर घर की ज़रूरतें अलग होती है। मेरे यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत कम यूज़ में आती हैं इसलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ। बाय द वे, ये जो कंटेनर्स आप देख रहे हो ना ये सब मैंने डीमार्ट से लिया था, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। अभी डीमार्ट में बहुत अच्छे अच्छे कंटेनर्स का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट गाइज, मैंने कुछ इस तरीके से अपने छोटे से फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल है, मुझे कभी भी कुछ भी निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड देखने में भी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, ऑर्गेनाइज लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। ओके, सो दैट्स इट गाइज, आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैंने इस वीडियो में जो भी ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए अगर आपको पसंद आए तो आप उन्हें खरीद सकते हो, परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लेना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।